हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू एसके रिव्यू चैनल। तो आज हम कंटेंट रिव्यू करेंगे क्रूएला मूवी, जो जस्ट मैंने अभी फिनिश की है। लेकिन ट्रेलर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि 1970 का दौर है। स्टेला एक चोर होती है जिनका मकसद होता है एक महारानी रानी बनना फैशन की दुनिया का। लेकिन उसके सामने क्या प्रॉब्लम आते हैं और कैसे वो रानी बनती है कि नहीं बनती और कैसे ट्राइंगल तौर प्रेजेंट किया गया है इस मूवी को, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि वो तो आप लोग मूवी देखोगे तब पता चलेगा। लेकिन हम बात करेंगे इस मूवी में क्या है अच्छा और क्या है बुरा। लेकिन सबसे पहले अगर अच्छी चीज़ों की बात करें तो इस मूवी में आप लोग को एक बार तो यार इस मूवी को देखना बनता है, क्योंकि ये एक नंबर की टाइम पास वाली मूवी है। लेकिन अगर मैं आप लोग को बता दूं तो इस मूवी में जो भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं वो काफ़ी लाजवाब, आप लोग को मज़ा आ जाएगा देखने का। और इस मूवी के जो आप लोग को म्यूज़िक है वो भी आप लोग काफ़ी पसंद आएगा। और अगर इस मूवी के ग्राफिक्स की बात करें, इस मूवी के भैया प्रोडक्शन की बात करें, वो भी काफ़ी लाजवाब है। और इस मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखें। लेकिन अगर बात करें हम बुरी चीज़ों की, तो बुरी चीज़ें इतनी मूवी में हैं नहीं, क्योंकि ये मूवी आप लोग को काफ़ी इंगेज करेगी, क्योंकि ये मूवी आप लोग को काफ़ी पसंद आने वाली है। लेकिन अगर बात करें तो सिर्फ ये डिज्नी प्लस जो है उसमें रिलीज़ हुई है इंग्लिश में, और कल इस मूवी को 27 तारीख को आप लोग को लगभग 12 बजे या जिस भी टाइम आएगी हिंदी तमिल तेलुगु ये तीनों लैंग्वेज में आप लोग को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो यार इस मूवी को आप लोग लाजमी देखना है, मूवी काफ़ी अच्छी है। तो मैं रेटिंग दूंगा 6 out of 10, जो मूवी काफ़ी कमाल है। लेकिन आप लोग को देखना तो बनता है, लेकिन यार कल हिंदी में आएगी, मैंने आज ही देख ली क्योंकि आप लोग को सबसे पहले रिव्यू देना था। तो यार रिव्यू अगर अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी अपडेट लाते रहते हैं आप लोगों के लिए सबसे पहले।